कवर्धा जिले के पंडरिया में स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने में बड़ा हादसा हुआ है। यहां मशीन में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। उधर सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ही यह हादसा हुआ है। मृतक जेठूलाल मीरे पंडरिया थाने क्षेत्र का पुसेरे गाँव का रहने वाला है। महासमुंद जिले में पिथौरा के समीप बारनवा पारा अभ्यारण्य में चीतल शिकार के मामले में वन विभाग की टीम ने 3 शिकारियों को धर दबोचा है, जबकि एक शिकारी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। बरनवा पारा परिक्षेत्र के आम गांव परिवृत्त के अकलतरा परिसर के कक्ष क्रमांक 120 में शिकारियों ने जीआई तार से विद्युत करंट प्रवाहित किया था, जिससे एक नर चीतल को करंट से मारा गया था। शक्ति जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के सरकरा गांव में करीब 6 लाख रुपए की चोरी के मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से कटवा माला, कर्जा फुली झाला, 2 जोड़ी टॉप, टूटे फूटे सोने के जेवर एवं लॉकेट चेन, गेहूं दाना, लॉकेट फुली आदि जब्त किया गया है। रविवार की दोपहर जसपुर जिले के पत्थलगांव शहर में चावल से भरे चलती ट्रक में अचानक आग लग जाने की घटना में चालक व क्लीनर ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। दिन दहाड़े घटी इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायपुर की उरला थाना पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियो सोशल साइट इंस्टाग्राम में अपलोड करने वाले आरोपी अमन किरणापुरे को आईटी एक्ट की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है। रायपुर के एंटी एंड साइबर यूनिट तथा गंज थाने की पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र शराब दुकान के पास कंपनियों का मोबाइल लेकर उसे रास्ते में बेचने की कोशिश करने वाले आयुष गुप्ता से चोरी के 5 नग तथा उसकी निशानदेही पर उसके 2 साथियों पी रामकिशन एवं यशवंत साहू को पकड़कर 2.5 लाख रुपए कीमत के 12 नग चोरी का मोबाइल जब्त किया गया है। सभी आरोपी एक साथ मिलकर रायपुर स्थित विभिन्न शराब दुकानों के पास से मोबाइल लूटने व चोरी करने का काम करते थे। कांकेर जिले में शराब के नशे में धुत एक ट्रक चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए कन्हार गांव वनोपज नाके को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर भागते समय वन कर्मी को घायल करने वाले ट्रक चालक को लोगों ने पकड़कर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी शंकर गुप्ता नामक शख्स ने अपनी पत्नी रत्ना गुप्ता के नाम पर बैंक से लोन लिया, मगर उसकी पत्नी को पता ही नहीं चला। विवाद के बाद से वह घर से चली गई थी और दिल्ली में रहने लगी थी। उधर उसे जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तब उसने पूरे मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी शंकर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली और स्कॉर्पियो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे चलते 2 लोग चूरामन राहुलकर व 1 महिला सुमित्रा की मौत हो गई। वहीं 12 लोग घायल हुए हैं, उनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार लोग भीमनगर सुपेला भिलाई से बैटरेल जामगांव आर रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, तभी रास्ते में धौर भाटा के मोड़ पर यह हादसा हो गया। कोरबा जिले की बांगो थाना पुलिस ने अपनी पत्नी को चरित्र शंका के संदेह पर बाल पकड़कर घसीटकर हाथ झापड़ से मारपीट कर सिर को घर की दीवार में पटक कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति दुबराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र स्थित होटल वंश पैलेस के कमरा नंबर 101 की तलाशी लेकर कार्टून के अंदर भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड के कुल 43 लीटर विदेशी शराब कीमत लगभग 30,000 रुपए तथा शराब बिक्री का 56,000 कुल 86,000 रुपए को जब्त कर समीर एक्का, सोनल साहू और गुणसागर कल्पन को गिरफ्तार किया गया है। साइंस कॉलेज के ग्राउंड के पास बन रही चौपाटी यूथ हब का विरोध भाजपा नेता राजेश मुड़त कर रहे हैं। उनके धरना पंडाल के पास आकर कांग्रेस के एनएसयू संगठन के युवक आकर नारेबाजी करने लगे। ये देखकर भाजपा के लोग भी सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। भाजपा और कांग्रेस नेता एक दूसरे से भिड़ गए। राजधानी रायपुर के धरना स्थल में रविवार को बवाल हो गया। यहाँ एक ही बैनर तले अलग अलग प्रदर्शनकारी सम्मेलन के लिए जमा हुए थे। यहाँ से वो सीएम के कार्यक्रम में जाकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे, मगर उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया और 5 नेताओं को गिरफ्तार किया। इसके अलावा इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई।
एमसीबी जिला के ब्लॉक जनकपुर एसडीएम व तहसीलदार ने देर रात ग्राम सेरी से जोलगी सड़क पर नीलगिरी लोड ट्रक का 8 किलोमीटर पीछा किया तो चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। इस पर अधिकारियों ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर लकड़ी जब्त कर ली है। वहीं अधिकारियों ने ट्रक के अगले 2 टायर की हवा भी निकलवा दी है। कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र में पोडी ऊपर रोड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत धवलपुर के पास केचुआ पारा में एक हाई टेंशन टावर के नीचे लोगों की भीड़ उस समय उमड़ पड़ी जब गांव के एक युवक को ऊपर चढ़े देखा। पत्नी से झगड़ा होने के बाद टावर पर चढ़े युवक को पुलिस विभाग की टीम और गाँव के लोगों ने समझाइश देकर नीचे उतारा, तब कहीं जाकर स्वजनों ने राहत की सांस ली। कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में 6 जनवरी को हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या चाय बनाने के मामले विवाद में हुई। ग्राम बीजा बैरागी की रहने वाली सुहादराबाई पटेल की लाश घर की बाड़ी में मिली है। उसके बाल बिखरे हुए थे और मुंह से खून निकल रहा था। उसका सिर पत्थर पर रखा हुआ था और लाश औंधे में पड़ी थी। नारायणपुर जिले में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प और पुलिस जवानों पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने कई खुलासे भी किए हैं। जांजगीर जिले की एकलता थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोटमी सोनार रेलवे स्टेशन के आसपास संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 युवक संदीप देवदत्त और कृष्ण कुमार को पकड़कर पूछताछ कर दोनों के कब्जे से 2 माह पूर्व सब्जी मंडी अकलतरा के पास से चोरी हुई एक स्कूटी और एक बाइक को जब्त किया है। शक्ति जिले के बादवा थाना क्षेत्र के ग्राम लहंगा में सनी सतनामी नामक युवक की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसने आरोपियों से कहा कि गाली मत दो, बस इसी बात को लेकर नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने युवक को घर से निकाला और बेदम पीटा था। इसके अलावा उसके परिजनों से भी मारपीट की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रापारा हथखोज में देर रात 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट में 2 युवक की मौत हो गई। सीएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि 2 गुटों के बीच देर रात 12:30 बजे के आसपास मारपीट की घटना की बात सामने आई है। वहीं मारपीट के दौरान 2 युवक की मौत हो गई। मृतक मनोज और सूरज बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में 15 लोगों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है।